वेलकम बैक टू द जेपी ब्लॉग्स पब्लिक। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो आज के ब्लॉग में जाने वाला हूँ मैं करजत अपने दोस्तों के साथ। लोकेशन का नाम है कोंडाने केव्स, कोंडाने लेनी। तो अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे हाईवे पे, तो अभी दोस्त आएंगे उनके साथ अपना सफर शुरू करते हैं। तो चलो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी मैं करजत में आया, जस्ट अंदर टर्न मारा और मेरे को ये सिर्फ मैं रील्स में देख रहा था। इतने दिन से विट्ठल भगवान जी का यहाँ पे इतना बड़ा मूर्ति स्थापन किया हुआ था, तो अचानक काफी देखने को मिला। रुक गए यहाँ पे, तो देखो बहुत मतलब बहुत हाइट है भाई, बहुत ज्यादा हाइट है। और क्या मतलब बना है, रोहित भी वीडियो अपना लगा हुआ है। हमारी हाइट इतनी है और मूर्ति इतनी बड़ी है, बहुत ऊँचा है भाई, बहुत ऊँचा है। चलो आगे चलते थोड़ा और आगे से आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं करजत में से और आगे जाना है। ये देख सकते हो मेरे पीछे विट्ठल भगवान जी का इतना बड़ा मूर्ति जो है। तो अभी चलते हैं, हमें हमारे डेस्टिनेशन पे भी जाना है आगे आगे। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं अपने। तो दोस्तों अभी डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग। इसका भी गाड़ी पे ब्लॉगिंग चालू है, देखो इसका भी गाड़ी पे ब्लॉगिंग चालू है, मेरा भी गाड़ी पे ब्लॉगिंग चालू है। अभी केव से हम लोग ऑलमोस्ट पकड़ लो एक 10 मिनट के दूरी पर है। मेरा आवाज पता नहीं कैसा इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलो अपने डेस्टिनेशन के थोड़ा पास पहुंचते हैं और आपको मस्त मस्त व्यू दिखाऊंगा मैं अभी। तो अभी दोस्तों वड़ा पाव पार्सल लेके थोड़ा आगे जाएंगे, इधर बहुत ज्यादा भीड़ है तो इधर वैसे ही टाइम होगा, तब तक आप एक व्यू देख लो। बहुत ही प्यारा ऐसा व्यू और क्या मौसम सुहाना बना है, मन तो कर रहा है वहाँ पे जाऊँ, मस्त उड़ी मारूँ पानी वीनी में। तो पार्सल लेते हैं और थोड़ा आगे चल के खाते हैं। तो चलो बाय बाय। आम्ही आता इथं वडापाव खाऊ, थोडं थोडंसं नाश्ता, परत वरती जाऊन अजून खाऊ। कंप्लीट हो गया दोस्तों, चार वड़ा पाव लिया है चारों ने। आप भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। ओके तो दोस्तों मस्त गरम गरम वड़ा पाव खा के हो चुका है, अभी चलते केव्स की तरफ। सेल्फ स्टार्ट मगर सजन किक मारते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके तो दोस्तों अभी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करके हम लोग जा रहे हैं कोंडाने केव्स की तरफ आगे आगे। एग्जैक्ट स्पॉट पे हम लोग आ गए, अभी यहाँ से गाड़ी पार्क की है और अभी ऊपर जाना है। ये रूट है, वड़ा पाव बहुत पीछे खा लिया इसलिए जरा, अभी चलो ये रूट से ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मस्त ऐसा सुहाना मौसम तो कभी ताप दिशा बोलू तो दे वाला अभी चालू करना वीडियो। मस्त ऐसा सुहाना मौसम पहले वीडियो। तो कोंडाने के उसका जो ट्रैक है दोस्तों वो कुछ डिफिकल्ट वगैरह नहीं है, एकदम इजी इजी है। 15 मिनट समझ लो, 30 मिनट। तो चलो चलते हैं मस्त आगे आगे आगे। जैसे मेरे ना मेरे को वाटरफॉल चाहिए, इन लोग का बहुत मस्ती चाहते है, वाटरफॉल मिलना चाहिए कि उसके ऊपर से ऐसा नीचे आते हो। चलो अभी मस्त कड़क धूप खिला है, ये बहुत मस्ती कर रहे बच्चे लोग पीछे। तो अभी 2 मिनट में ना एक नंबर व्यू दिखेगा कि उसका ये रूट। चलो आगे। ओके तो दोस्तों एक गलती की वजह से अभी रास्ता भटक जाते, पर अच्छा हुआ दोस्त को पॉटी लग गई और रास्ता भी मिल गया। तो चलो आ गए, ऑलमोस्ट आ गए। 15 जन गए पर उनको भी रास्ता पता नहीं है, पर वो गलत रास्ते से गए। अब मैं कैसे बताऊँ उनको कि गलत है, ट्रैकर से थोड़ा वो बोले कि हमको पता ही है, तो फिर छोड़ दो जाने दो भाई। हेल्प आउट करने का ट्राई किया पर जो हुआ हुआ। तो फाइनली दोस्तों डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और बस 1 से 2 मिनट आपको मैं
दिखाता हूँ जन्नत। राइट दोस्तों, तो फाइनली डेस्टिनेशन पे रिच हो चुके। मेरे पीछे देख सकते हो आप, पूरा उसका जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका ही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हिस्ट्री तो क्या बना है, किसने बनाया, वो सब चीजें। बौद्ध लेनी है कोटा ने केव्स, और ये देखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हो मेरे पीछे कोटा ने केव्स, कोटा ने लेनी। ये देखो भाई कैसा है नजारा, पूरा वाटरफॉल, दो दो तीन तीन वाटरफॉल है, और ये हिस्टोरिकल प्लेस। ओके, तो दोस्तों अभी चैत्य गृह में प्रवेश कर दिया है, शूज वगैरह बाहर निकाल के। और चैत्य गृह में अंदर आप देख सकते हो, इससे पहले भी अपन यहाँ पे आ चुके थे। तो चलो ये यहाँ पे अंदर है, थोड़ा इतना अच्छा क्लियरिटी नहीं आएगा। और ये बौद्ध स्तूप है, ये अभी पूरा ये देखो पूरा ख़राब हो चुका है। इसके बाजू से भी कुछ बनाने की ट्राई की होगी वो ज़माने में, इसको पूरा फेरा मार लेते अपन, अच्छा रहता है अपने लिए। ये जो है यहाँ पे ये जो किया है, ये पुराने टाइम में दीपक जलाने के लिए काम पे आते थे। ये रहा बौद्ध स्तूप, रोहित अभी बाहर जा चुका है, और यहाँ से क्या सुंदर ऐसा नज़ारा आ रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। तो चलो अभी बाहर चलते हैं, और आजू बाजू बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है दोस्तों, तो यहाँ से बाहर चलते हैं और बाहर का थोड़ा नज़ारा एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अभी आजू बाजू में देखो, ये पूरा केव से पूरा लेनी है एक पत्थर में किया हुआ। चलो अभी अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे। बहुत सुंदर वाटरफॉल है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पीछे कोंडा ने किया उसका पूरा वाइड एंगल व्यू, पूरा आपली मजा कराला आले। और ये केव्स देखो कितना दूर तक फैला हुआ है, और ये है केव्स का वो टाइम का, बौद्ध भिक्षु के लिए वो बनाया होगा, ये आराम करने के लिए, ये आराम करने के लिए ही बनाया हुआ कक्ष है, आराम कक्ष बोल सकते हैं इसको केव्स का। पर अभी फिलहाल यहाँ पे कोई और आराम कर रहा है, इसका नाम चिमकांडी है। चलो अभी नेक्स्ट वाले कक्ष में जाते जो ये साइड। ये देख सकते हो दोस्तों ये बड़ा वाला केव्स, ये भी सेम, इसको भी आराम कक्ष बोल सकते हो। ये वाला उससे भी बड़ा है, और इसमें उससे भी ज़्यादा रूम बना हुआ है आराम करने के लिए, समझो कुछ भी एक्स वाई जेड। इसमें सिर्फ चमगादड़ ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम चमगादड़ थे कोतलीगढ़ में। यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर आएगा दोस्तों, कुछ भी है पर बहुत प्यारा नज़ारा आ सकता है। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग में लाया था वड़ा पाव पार्सल, यहाँ पे वड़ा पाव अभी खा रहे, मस्त फोटो वीटो निकाला, वीडियो निकाला, अभी टाइम लग शूट करेंगे, उसके बाद मस्त एंजॉय करते करते ही घर पे जाएंगे। दोस्तों
दोस्तों देख, तुमने जो कुछ देखा यहाँ पे कुंडा ने लेने पे, मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखाया, आजू बाजू का जो कुछ भी जगह था XYZ सब कुछ दिखाया मैंने, वाटरफॉल केव्स सब चीजें। उम्मीद करता हूँ अगर मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हो सके तो सब कुछ करना, नहीं तो कुछ मत करना, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।